नारायण। अपने उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी करते हुए आज आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार की घोषणा कर दी। कांकेर जिले के मुगवाल गांव निवासी और पूर्व सहकारिता विस्तार अधिकारी कोमल उपेंडी को आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए अपना युवा दावेदार बता रही है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक प्रदेश को अब एक युवा नेतृत्व की ज़रूरत है जो नई सोच और ऊर्जा के साथ जनता से सामंजस्य स्थापित कर सके। आप प्रदेश प्रभारी गोपाल राय की उपस्थिति में ये घोषणा हुई और इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची भी पेश की। पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी गोपाल राय के साथ पार्टी के प्रदेश संयोजक संकेत ठाकुर, मीडिया संचार विभाग से उचित शर्मा, आम आदमी पार्टी के दावेदार उत्तम जायसवाल भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए 90 के 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है। हमने पिछले 10 दिनों से 4 कोनों से यात्रा शुरू की थी जिसका आज समापन होने जा रहा है। पूरे यात्रा के दौरान हमने देखा है छत्तीसगढ़ बदलाव चाह रहा, और आज उस बदलाव में परिवर्तन के लिए छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम उम्मीदवार तय किया है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कोमल हुपेंडी जी होंगे जो पूर्व सहकारिता अधिकारी रहे हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर अपनी सेवाएं दी हैं। 37 साल के कोमल उपिंडी ने छत्तीसगढ़ में बदलाव के लिए, समाज में परिवर्तन के लिए इस्तीफा देकर के 2 साल पहले पार्टी में काम शुरू किया था। आज वो कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। सही मायने में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 18 साल पूरे हो गए, आज तक कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, युवाओं के हितों को आज तक ईमानदारी से उन्होंने नहीं देखा। आज आम आदमी पार्टी एक युवा को मुख्यमंत्री पद के लायक समझा, निश्चित रूप से ये सिर्फ कोमल उपेंडी के प्रति नहीं बल्कि प्रदेश के सभी युवाओं पर उन्होंने विश्वास किया है, और वही युवा आज अभी आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। भारी बहुमत, बिल्कुल सक्षम है, पूरे प्रदेश की युवा सक्षम है, मैं अकेला कुछ भी नहीं, पूरे युवा हमारे साथ हैं और इसलिए हम पूरी तरह सक्षम हैं, हमारी पूरी ताकत। नारायण नारायण।